तराना तहसीलदार डी के वर्मा ने की इंसानियत की मिसाल पेश। लॉकडाउन में शादी रुकवाई और वादे के अनुसार आज कराई किसान की बेटी शादी। तहसीलदार डी के वर्मा ने खुद उठाया शादी का खर्चा, गांव पहुंचकर दी शादी की शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज, मैं सैयद नियामत अली। आज हम तराना तहसील के ग्राम छड़ावद में खड़े हैं और आप यहाँ पर जो टीम देख रहे हैं, ये एक बालिका की यहाँ पर शादी हो रही है और ये शादी इसलिए खास हो जाती है कि ये शादी अभी पूर्व में लॉकडाउन के समय 22 तारीख को 22 मई को होने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना काल चल रहा था उसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो गाइडलाइन जारी करी थी, ना शादी हो रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। क्षेत्र के जो तहसीलदार माननीय डी के वर्मा साहब को जब यहाँ की जानकारी लगी कि यहाँ पर शादी हो रही है, तो वो यहाँ पर शादी को रुकवाने के लिए आए थे, जो उनका काम था। लेकिन जब उन्होंने यहाँ आके देखा और जब इन लोगों को समझाया और ये वादा किया कि ये शादी आप अभी रुकवा दीजिए, इस बच्ची की शादी जो भी तारीख आगे की तय होगी वो मेरे द्वारा की जाएगी और मैं इसका जो भी विधि विधान से जो कार्य होता है वो मैं करवाऊंगा, और आज उसी को उन्होंने साकार करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्ची को आशीर्वाद देने पूरी टीम के साथ आए हैं। माननीय तहसीलदार महोदय भी हैं यहाँ पर, उनकी मिसेज भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या एक विचार, जो एक प्रशासनिक अधिकारी जो जब ऐसा कार्य करता है तो एक समाज में एक मैसेज जाता है, क्या सर क्या एक मंशा थी आपकी इस काम को लेकर? इन बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, नियम कानून का कायदों का पालन करने के लिए इनने कहना माना, हमारा प्रशासन का कहना माना, और इसलिए शादी कराने के लिए आज हम इसके साथ में खड़े हो गए। ये आज इन्होंने एक पिता का फर्ज निभाया है हमारे साथ, जो यहाँ जो लाड़ी के रूप में यहाँ पर खड़ी हैं, जिनकी शादी होना है। बहन से हम बात करते हैं, आपको कैसा लग रहा है आज आपको आशीर्वाद देने तहसीलदार महोदय आए हैं, उनकी मिसेज आई हैं और पूरी टीम आई है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए सब। तो क्या महसूस कर रहे हैं ये शादी में, कुछ एक खास बात आप अगर कहना चाहें जो इन लोगों ने आपसे वादा किया था कि आप शादी? जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बड़ी खुशी हो रही है। भाव जी आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, उनने कह दी कि शादी मैं करूँगा। कब करोगा? मैं क्या आप करो जैसे मैंने कह दी। आज क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर आप? उन्होंने करी जो हमारा मंजूर है। बहुत 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 धन्यवाद प्रशासनिक अधिकारियों का, गांव के ग्रामीण जनों ने और माता पिताओं ने भी आभार व्यक्त किया है। साथियों एक मिसाल पेश की है माननीय तहसीलदार महोदय ने, समाज को एक मैसेज दिया है और कहीं ना कहीं कोरोना का पालन भी उन्होंने शासन के नियमों का तहत करवाया गया है। पब्लिक लाइव न्यूज़ के लिए सैयद नियामत अली की रिपोर्ट।